व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, आर जी हियर। मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए लेके एक और वीडियो। जी हाँ, हम योयो हनी सिंह की जो रणवीर अलाहाबादिया के साथ अभी अभी एक पॉडकास्ट आई है उसके ऊपर रिएक्शन करने वाले हैं। आप लोगों ने मुझे बोला था कि इसके ऊपर अपना पूरा रिएक्शन लेके आऊँ, तो ठीक है भाई, करते हैं। 46 मिनट्स का है तो एक काम करेंगे, 15-15 मिनट के इसके तीन पार्ट करेंगे। पहले 15 मिनट चलेगा एक, फिर अगला पार्ट आएगा, फिर तीसरा पार्ट आएगा, ठीक है? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा देना, सीधा सीधा देखते हैं पहले। लेट्स गो फॉर इट। कहाँ मैं वर्ल्ड टूर कर रहा था शाहरुख भाई के साथ, अमेरिका में था मैं, वहाँ से वापस आया। मेरा इतना बड़ा शो चल रहा था स्टार प्लस पे, रॉ स्टार, सब कुछ मैंने डिज़ाइन किया 1.5 साल लगा के, पूरा सेटअप से लेके एवरीथिंग, कास्ट क्रू, मतलब एवरीथिंग आई डिज़ाइन इन 1.5 ईयर। जब वो हो रहा था तो मैंने कहा मेरे को नहीं हो रहा है कुछ, मेरे को गलत गलत ख्याल आ रहे थे, साइकोटिक सिम्टम्स आ रहे थे। क्या 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 60 सेकेंड में 60 थॉट्स थे और 60 अलग डिविजन्स थी उसकी। अभी मैं इंडिया टूर कर रहा हूँ, मैं चेन्नई गया हूँ, वो लोग पंजाबी गाना गा रहे हैं। मैंने बोला वहाँ पे उनको, मैंने कहा, मैं ये बोलता हूँ, मैंने हैदराबाद में ये बात बोली, मैं कहा हम लोग यूरोप जाते हैं, जर्मन फ्रेंच नहीं बोलेगा, फ्रेंच जर्मन नहीं बोलेगा, दोनों एक जैसे दिखते हैं, लेकिन आज साउथ इंडिया में खड़े होके आप कुड़िए नहीं तेरे ब्राउन रंग दे गा रहे हो। तो मैं कहा हम इंडिया अगर वन रहे तो हम क्या कुछ कर सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं। अजीओ प्रेजेंट्स TRS में आपका स्वागत है दोस्तों। आज की एजी इंटेंस कॉन्वर्सेशन में हमारा साथ देंगे योयो हनी सिंह। आई प्रॉमिस यू, उनके काफी सारे इंटरव्यूज ऑनलाइन आ चुके हैं, पर इस तरह का एक पॉडकास्ट जो इतना ज्यादा डार्क है आपको सिर्फ TRS पर मिलेगा। यार सिर्फ डार्क नहीं है, डीप भी है, स्पिरिचुअल बातें भी हो चुकी है, क्योंकि दिस इज TRS दोस्तों। ये तो मतलब अ लॉट मोर इज कमिंग, दिस इज गोइंग टू बी द अदर साइड ऑफ योयो हनी सिंह। तो जिसमें से 1 मिनट 17 सेकंड जा चुके हैं ऑलरेडी, तो यानी कि अभी 45 मिनट्स एग्जैक्ट बचे हैं, तो देखते हैं अगले 15 मिनट में क्या होता है। ये स्किप कर दूं ये वाला पार्ट, नहीं चल चलने दे। पारी लुक, दिस इज स्टाइल्ड बाय आजियो। अगर आपको भी ऐसी स्टाइलिंग चाहिए, ऐसी फैशन चाहिए, तो आजियो ऐप जाकर डाउनलोड कीजिए। हमें ऐसा ही स्पॉन्सर चाहिए। स्टाइल योरसेल्फ इमीडिएटली। आज हनी सिंह हमें सिखाएंगे हाउ टू अचीव इट इन स्टाइल एंड हाउ टू थिंक इन स्टाइल। जितनी ज्यादा डेप्थ इनमें है ना, आई थिंक उस डेप्थ के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, और आज हम मिलके इनकी असलियत को जानेंगे TRS के थ्रू। ये है योयो हनी सिंह ऑन TRS। योयो हनी सिंह कैसे हो भाई? बढ़िया भाई, बिल्कुल मजा। ऐसे तो बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मेरे सामने बैठे हुए। थैंक्स भाई, थैंक यू सो मच। आई एम फीलिंग कि द कॉलेज मी इज ड्रीमिंग राइट नाउ। अरे वाह, कैसे हो भाई? मजे में भाई, बिल्कुल बहुत बढ़िया। आई कैन अंडरस्टैंड द फीलिंग। इतनी ज्यादा फ्रेंडली वाइब है आपकी। बस भाई, आपका दोस्त ही हूं, भाई हूं बड़ा 100%। जहां से आप लोग निकले हो मैं भी वहीं से निकला हूं। ओके, तो वही बस गलियां हैं, वही रास्ते हैं, वही मंजिल है। मंजिल क्या है? डेथ? नहीं, डेथ तो हो जाएगी, लेकिन उससे पहले बुलंदी तक जाएंगे। यार यही थॉट होना चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कट रही है, कट रही, कट रही क्या होता है बेंच? कुछ नहीं होता कट रही। जब तक आप टॉप अचीव ना करो तब तक तो जीना है भाई। अचीव करने के बाद उस टॉप वाली फीलिंग को एंजॉय भी करना है भाई। ये लाइफ में होना चाहिए, वेरी इंस्पिरेशनल। ओके, डेथ तो हो जाएगी, वो तो क्या। लेकिन तब तक ऐसा कुछ करेंगे कि जो लोगों ने नहीं देखा पहले। वो तो हाथ में बुलंदी को थोड़ा ज्यादा ब्रेक डाउन कीजिए। बहुत कुछ है, सबसे पहले तो वो करना है जो नहीं किया गया। माउंट एवरेस्ट तो नहीं चढ़ सकता, लेकिन जिसने पहली बार किया था उसका नाम हुआ था। तो वो क्या नाम है उसका, नील आर्मस्ट्रांग, वो भी नहीं बन सकता लेकिन वो बना था, उसका भी नाम हुआ था। तो कुछ ऐसा जो पहले नहीं किया गया। एग्जैक्टली, शुरुआत है, बीच में ब्रेक भी लगा काफी। यार जो पहले कर जाता है उसी को लोग जानते हैं, दूसरे तीसरे नंबर वालों को ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। लेकिन शायद वो इसीलिए कि तीर को जितना दूर तक फेंकना है तो और पीछे खींचना पड़ता है। तो वो पीछे खिंचाओ, 7 साल का जो रहा उसने तीर को और पहना कर दिया और पकड़ और मजबूत कर दी है। सही, जाएगा सही, तो सही।
अर्श तक जाएगा। भगवान में बिलीव करते हो? बहुत ज़्यादा। तो भगवान ने वो उस तीर को पीछे क्यों खींचा? क्योंकि तब भगवान में बिलीव करना बंद कर दिया था। ओके 2012 भाई ये बहुत बड़ी बात होती है। अब जैसे मैं हूँ, मेरा मिक्सस्ट सीन चलता है, मतलब अच्छा हो गया तो हाँ बहुत बढ़िया हो गया, बुरा हो गया तो भगवान तूने मेरे साथ बुरा क्यों कर दिया, मैं वैसा टाइप हूँ। लेकिन ऑनेस्टली तो मैं बताऊँ भगवान क्या है, भगवान वो है जिसने हमें पैदा किया, हमें बनाया, हमें इस काबिल बनाया या हमें आगे सब कुछ देगा, तो वो सब हमारे पेरेंट्स हैं भाई, ठीक है। बाकी तुम्हारी हासिल है, जिंदगी जियो, एंजॉय करो, दैट्स हाउ लाइफ इज ऑल अबाउट, ठीक है। मैं जब मुझे कामयाबी मिली उससे पहले भगवान में बिलीव करता रहा, मीडियम था, इतना हार्डकोर बिलीव नहीं था, लेकिन हाँ शुक्राना करता था और मांगता बहुत था। मिला, जब मिल गया तो मुझे लगा यार चला भाई भगवान, 2012, 2013, 2014 इतना कुछ देखा, इतना पैसा, इतना सक्सेस, इतना सब कुछ, बिल्कुल भगवान में बिलीव करना बंद कर दिया था। फिर उसके बाद भगवान ने समझाया, हवा खराब हो जाती है एक्चुअली। ये ना एक इसी चीज से रिलेटेड तुम वो भी देख सकते हो, कपिल शर्मा शो पे ना सलमान खान के फादर साहब आए थे, सलीम खान जी, उन्होंने बोला था कि जब शोले आई तो उस आर्टिस्ट का दिमाग खराब हो गया जिसका एक डायलॉग था पूरी फिल्म में, कहते अपना तो होना ही था। तो मतलब भाई पाती है थोड़ा तो दिमाग ठनकता है भाई, ये भगवान मैं हूँ तू नहीं है। फिर अभी वापस धीरे धीरे आया उस तरफ। भगवान में बिलीव घटती या हटती कैसे है, दोस्तों की वजह से? नहीं नहीं नहीं, अपने आप अंदर तर गए थे, अपने आप आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से और अपने हालातों की वजह से, और जब बचपन से सिखाया गया हो। मैं स्कूल में कीर्तन में तबला बजाता था, वॉज वेरी डिवोशनल। हमारे स्कूल में सिक्स स्कूल में पढ़ा हुआ दिल्ली में, तो वहाँ पे डिविनिटी सब्जेक्ट था जो आठवीं तक पढ़ाया जाता था, तो उसमें जब चीज़ आप हमारे होली बुक है वो याद करिए कराई जाती थी, तो उसमें बिलीव करता था, बहुत ज़्यादा पढ़ता था बचपन में। घर पे बहुत कीर्तन का माहौल था, शब्द कीर्तन का और सब था। लेकिन जब इन्होंने गुरु नानक पब्लिक स्कूल प्रीतमपुरा से करी है ना मेरे ख्याल से अपनी स्कूलिंग, अगर हो तो प्लीज़ बताना मुझे कमेंट सेक्शन में अगर मैं गलत हूँ तो। जवान हुआ तो कुछ ख्वाहिशें उठी और वो ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही थी, तो थोड़ा सा भगवान में बिलीव कम हुआ। फादर को मैंने ये देखा कि फादर इतनी मेहनत करते हैं लेकिन भगवान में बिलीव नहीं छोड़ते, तो उतना बिलीव तो मैं भी पकड़ के चलूँ, बाकी सब मेहनत के ऊपर है जो मैंने उनसे सीखा कि मेहनत बहुत ज़रूरी है। तो पापा 6 दिन मेहनत करते रहे, 7वें दिन संडे को हमें गुरुद्वारा जरूर लेके जाते थे, तो उतना बिलीव मेरा टच में रहा। फिर उसके बाद जवानी आ जाती है तो और फोकस आ जाता है लाइफ में, करियर, पैशन, यही करना ये करना, तो भगवान से थोड़ी दूरी और हट जाती है। और जब वो इतनी मेहनत करने के बाद जब कुछ मिला ना, तो लगा ये साला मैंने किया, ये किसी ने नहीं किया, ये भगवान ने नहीं किया, ये दुआओं ने नहीं किया, ये मैंने किया, ऐसा हो गया था मैं बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। और वापस जब बीमारी से बाहर निकला भी मैं, जब 2021 से, तब बिलीव शुरू हुआ कि हाँ नहीं है, परम शक्ति तो है एक, और उसमें भी। पर वो बिलीव फिर से एंटर कैसे हुई आपके लाइफ में, री एंट्री कैसे हुई, कुछ हुआ? पता नहीं, बस अपने आप धीरे धीरे नज़दीकी आने लगी भगवान से। और यार इसको ना एक चीज़ बोल सकते हो कि जब आपको अर्ली एज में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल जाए, आजकल मैं देखता हूँ बड़े चुटर पुटर यूट्यूबर्स भी हैं, अगर मैं बात करूँ कुछ हैं मोटो, अपने आप को बेस्ट मोटो व्लॉगर्स बोलने वाले चूतिए जो आजकल बिग बॉस में जाने की बातें कर रहे हैं, तो मैं उनके बारे में बताऊँगा। उनको पहले तो मोटो व्लॉगिंग करना नहीं आता, वो हैं क्या कहते हैं कि वो मीटअप व्लॉगर ज़्यादा है, मोटो व्लॉगर कम है। जहाँ जाओ लोकेशन डाल दो, बंदे इकट्ठे कर लो। मोटो व्लॉगिंग क्या होती है, तुम जट प्रभजोत से सीखो, मुंबई कर निखिल से सीखो, तुम्हें सीखनी है JS फिल्म पाजी से सीखो, उसके बाद अबरार भाई से सीखो, वाइल्ड लेंस भाई अबरार से, तो वो होती है। बाकी चलो छोड़ दो, उसको साइड पर रखते हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ, जब ज़्यादा पैसा आ जाता है ना दिमाग ख़राब हो जाता है, तो फिर जब ऐसा झटका लगता है, ये बाइपोलर डिसऑर्डर जब जैसा झटका लगता है
लगने के बाद जब 5-6 साल आप बैठ के अपने आप को देखते हो तो वो गलतियां सामने आती हैं और फिर वो मैच्योरिटी लेवल पे आप उसे डील करते हो, फिर आप कहते हो कि हाँ ठीक है यार, नाउ बी सेटल इन लाइफ। तो अभी ये वो फ्रेज चल रहा है कि वो मैं ही भगवान हूँ वाली स्टेज से ना, कि मैं बोल दूंगा ये हो जाएगा, मैं बोल दूंगा वो हो जाएगा, अपने पास इतने लोग हो गए हैं कि कहीं पे भी फड्डा हो जाए हम ये कर देंगे, वो एक मेंटालिटी बन जाती है। तो जब ऐसा झटका लगता है, झटका लगने के बाद आप रिवाइव करते हो तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं आपका सेल्फ बिलीव बन जाता है, तो वो होता है कि भगवान में आपका विश्वास दोबारा आ गया, जो मुझे लगता है। बाकी मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि मुझे पता हो कि व्हाट इज़ एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट, क्योंकि ये चीज़ मैंने भी फेस करी है कि हाँ एक पॉइंट के बाद जब आप फेथ फील नहीं कर रहे हो भगवान में, लेकिन उसके थोड़े टाइम बाद ना बाय डिफ़ॉल्ट आप ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ से जुड़ते जाओगे, और चाहे वो किसी गुरु से जुड़ जाओ, चाहे किसी ना किसी स्पिरिचुअल चीज़ से ऑटोमेटिकली जुड़ोगे। दैट विल बी ओनली पॉसिबल इफ यू हैव सम काइंड ऑफ प्योरिटी इन योर हार्ट, दैट्स हाउ इट इज़। अकेले बहुत टाइम स्पेंड किया मैंने, काफ़ी इंटरव्यूज में बोल चुका हूँ, 3.5 साल में अपने घर से बाहर नहीं निकला और 1.5 साल में अपने कमरे से बाहर नहीं निकला, और जब नहाता भी था तो दरवाज़ा खोल के नहाता था, इतना डर था, फियर था मेरे अंदर। बाइपोलर डिसऑर्डर विद साइकोटिक सिम्टम्स की मुझे प्रॉब्लम हुई थी, जो सूखे नशे करने से और शराब पीने से होती है ज़्यादा, और कम सोने से होती है, और गलत लाइफस्टाइल से होती है। और सूखे नशे मतलब वीड? या बहुत ज़्यादा करता था मैं, 2012 में इंट्रोड्यूस हुआ था, 2 साल बहुत किया मैंने, एक्सट्रीम में कर दिया था, तो उसकी वजह से कोलैप्स हुआ सारा करियर सब कुछ। तो बाकी उस डार्कनेस में बहुत कुछ दिखा, भगवान दिखा, शैतान दिखा, दोनों ने बाहें फैलाई, फिर चुना मैंने भगवान को। पता है जब मैं कॉलेज में था तब रूमर्स होते थे कि आपको किसी सेटैनिक चर्च में देखा गया है, ये सच है? हमें दैट एलुमिनाटी थिंग, सेटैनिक चर्च वाला सीन जो था, वही जो एलुमिनाटी र्यूमर्स थे वो यही थे एलुमिनाटी र्यूमर्स। मेरे को तो बोलना नहीं आता है, जाना तो दूर की बात, तो चलो देखते हैं। क्या था सेटैनिक चर्च में इंग्लैंड में? क्या है वो? पर पता क्या हुआ था? नहीं, मैं इंग्लैंड में था, शूट कर रहा था, तो मुझे एक लेडी जो मेरे किसी दोस्त को जानती थी, उन्होंने मुझे बोला कि आपको मेरे साथ कहीं चलना है। अच्छा। मैंने कहा जी आप जैसे कहें चलते हैं शूटिंग के बाद। कहते खाना खाने चलना है, आपकी पसंद का होगा। बैंकॉक में एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है अलसना, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, वहाँ का मुझे पुदीना चिकन बहुत पसंद है, जो मैं 2007 से खा रहा हूँ। ये कहानी बता रहा हूँ 2013 की शुरुआत की। ये नोट करके रखेंगे, कभी काम आएगा जब बैंकॉक वगैरह जाएंगे। मैं लंदन में था, मैं वहाँ गया, वहाँ इंडियन रेस्टोरेंट था एक, ये पहली बार मैं किसी कैमरे के सामने ये बात बोल रहा हूँ, सॉरी भाई। नहीं नहीं सही है, होनी चाहिए बातें। तो मैं वहाँ गया पूरा। नहीं यार, अब अगर बोल रहे हो तो फिर रूमर्स क्लियर करो ये सारे, सही बात है, ये बोलने से डरने वाली कोई बात नहीं है बैंचो, हमने को दुनिया से हटके काम थोड़ा कर दिया। रेस्टोरेंट खाली था, एक गोरा बारटेंडर था और वेटर कोई नहीं था। उस लेडी ने बिठाया, कुछ बातें करनी शुरू करी, ऑर्डर नहीं लिया गया लेकिन ऑर्डर मेरे सामने आ गया। अच्छा। और वो वही पुदीना चिकन था जो मैं बैंकॉक में खाता था, उसकी शक्ल लग रही थी। मैंने कहा ये क्या हो रहा है भाई, ये तो बड़ी लगता है, मेरे यारों दोस्तों से पूछ के लगता है कुछ ऐसी चीज़ बताई गई है कि मेरे को पसंद। के चलो बताई गई है, वो सरप्राइज के लिए उन्होंने आगे रख दिया, दैट्स हाउ इट इज़। और यहाँ अरेंज करिए, देखने में तो वही लग रहा है। मैंने कहा वो वही टेस्ट था। मैंने कहा ये क्या है? कहती ये कुछ भी नहीं है। मैंने कहा तो? कहती ऊपर चलेंगे। वहाँ सीक्रेट डोर था ऊपर एक, वहाँ पे सैटेनिक चर्च था जो खाली था। हाँ। वहाँ बाहर बोर्ड लगा हुआ था, वहाँ मैं गया। मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि मैं 2012 से भगवान को मानना बंद कर दिया था, मैं शैतान को मानना बिलीव नहीं किया था, लेकिन शैतान की तरफ अट्रैक्ट बहुत हो गया था, शैतानी हरकतें करता था, याशी करता था, तो मैं उस तरफ अट्रैक्टेड बहुत था, तो मैं उस चीज़ से डरा नहीं सैटेनिक टेम्पल से। वो होता है कि लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर लें, ना कि उस चीज़ को पूरी तरह अडॉप्ट कर लें, ठीक है? तो वो चीज़ मैं जाके एक बच्चे की तरह उन कुर्सियों में जाके बैठ गया, फोटो ही करा रहा था,
वहाँ की एनर्जीज बहुत डिफरेंट थी, बहुत स्ट्रॉन्ग कैसी थी, कंप्रेस करते ना जैसे, कंप्रेसिंग थी बहुत, अच्छा बहुत कंप्रेसिंग, अगर क्लैप भी मारोगे तो रिफ्लेक्शन नहीं आएगी, हैवी एनर्जीज बहुत ज़्यादा, तो मुझे समझ में आया कि काम सीरियस है। सो यदि व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ, आई से व्हाटएवर आई वांट टू डू कम टू अस, वी गेट यू एवरीथिंग। बॉयज कम देयर विद बिगर प्लान्स, काउंसिल सेट्स, दे विल हेल्प देम। मैं समझ गया ये मुझे करना नहीं है, लेकिन एक एक्सपीरियंस के लिए एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। तो ये बात तो किसी को पता भी नहीं है, वो इंटरनेट में मैंने फोटो फेसबुक पे डाली थी जो एक घंटे में उतार दी गई थी। यार वही बात है ना, मैं भी देखना चाहूँगा अगर ऐसी कोई चीज़ है तो, देखने में और जाके देखने में कोई बुराई नहीं है, पता करेंगे अगर कभी पाजी से मिले, जगह का नाम बताओ जाके आएंगे। मेरा मीडिया देखता था राज भाई, कैनेडा से, इंग्लैंड में रहता रहा था वो, तो उसने हटा दी, कहते नहीं ये हटानी पड़ेगी, तो वो फिर फोटो हटा दी गई थी। मैंने वो उनका वो डंडी सी होती है वो पकड़ी हुई थी और ऐसे करके कुर्सी पे बैठ के भी, जहाँ वो मेसन्स बैठते हैं, अच्छा वहाँ तक गया, बट उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। ओके, क्योंकि रूमर्स ये थे कि आपने शैतान के साथ एक डील बनाई है जिसकी वजह से आपको सक्सेस मिला है। मैं उसके बाद एक्साइट हो गया, बहुत एक्साइटेड हो गया, और इल्मनाती कल्चर के बारे में बहुत रिसर्च करना शुरू हुआ, बहुत इंक्लाइन हो गया उस तरफ। असल में फेमस पीपल आर into Illuminati culture? I don't know, they say there's lots of speculation. Yeah, yeah, yeah. कोई बोलता है Barack Obama भी था, कोई कुछ बोलते हैं, कुछ बोलते हैं बहन, चूंकि ये बड़ी बड़ी ना myths बनी हुई है इस पर लेके। अब बोलने को क्या है, बोल दो कल को किस मेरे सब्सक्राइबर में शॉर्ट्स डाल रहा हूँ, कोई एक शॉर्ट वायरल हो गई, कोई वीडियो डाल रहा हूँ वीडियो वायरल हो गई, सब्सक्राइबर 2 लाख आज 1 लाख हैं, 200 मिलियन हो गए, 20 मिलियन हो गए, एक अनइवन सा नंबर हो गया, कुछ भी हो गया, ग्लिच से ही हो गया मैं कहता हूँ, तो इतना सक्सेस एकदम से आ गया, गाड़ी आ गई, बंगला आ गया, सब आ गया, थोड़ा घूम रहे हैं आप, थोड़ी ऐश भी काट रहे हैं, तो वहाँ पे आके अगर आप पहुँच गए हो तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग तो कहानी बनाएंगे यार। ओके, सच तो पता नहीं क्या है एक्चुअली, क्या है क्या नहीं, बट लेकिन कुछ है, स्ट्रॉन्ग है, और अगर आप देखो अगर बड़े लेवल पे जाके, टॉप फ्लोर पे जाके, तो आपको उसकी रिफ्लेक्शन दिखती तो है, कुछ तो होंगे, कुछ लोग होंगे, दिखती है। ओके, दिखती है, हर तरह से दिखती भारत है, भारत में, वर्ल्ड वाइड, पेट्रोलियम में, फार्मास्यूटिकल्स में, वॉर्स में, एंटरटेनमेंट में, फिल्म्स में, पेस्ट में, साबुन में, हर जगह दिखती है अगर आप देखना चाहो तो। वो लोग चाहते थे कि आप उनके, पता नहीं क्या था वो, मैंने दोबारा पूछा नहीं, मैं तो खुश हो गया, मैंने कहा सही है, अच्छा है, ये होता ना कि मैं तब तक बदनाम था, बहुत बदनाम था, बदनाम के बावजूद कामयाब था और मशहूर था और प्यार भी कर रहे थे लोग, तो एक बैड बॉय इमेज थी जो थी उस वक्त। यार जब ऐसी इमेज होती है ना तो साथ में कुछ भी जोड़ लो आप, अब शोएब अख्तर है, शोएब अख्तर के साथ भी यही हुआ है, उसकी बैड बॉय इमेज बन गई, अब कुछ भी जोड़ देते थे, कोई बंदा हो जिसकी थोड़ी सी, सलमान खान सबसे बड़ा एग्जाम्पल, कुछ भी जोड़ देते हैं, मतलब कुछ भी भलता जोड़ देंगे। तो मैंने कहा कि ऑल मीडिया गाइस, बुद्धिजीवी लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, इंडिया में हिपोक्रेसी पता आपको कितने लेवल पे है, बहुत ज़्यादा। तो जो हिपोक्रेट इंटेलेक्चुअल इंडियंस हैं, जो मुझे मिसोजिनी और डबल मीनिंग और कल्चर को ख़राब करना और वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट करना ये सब कहते हैं, ये गाली बकते हैं मुझे, जिससे मुझे खास ध्रुव राठी जैसे चूटिए, इनको तुम गाली भी ढंग से नहीं देंगे चूचियों को, नहीं तो फिर ये बोल देते हैं कि तुमने हमारे बारे में गलत बोला है, ब्लडी जर्मन शेपर्ड्स। बस फर्क नहीं पड़ता कि मुझे प्यार करने वाले बहुत हैं और मैं कामयाब हो रहा हूँ, कामयाब ना हो रहा तो बात अलग थी, तो अगर वो मुझे लाइक नहीं कर रहे तो ये तो लाइक कर रहे हैं ना, वो बड़ा अट्रैक्ट किया मुझे, ये तो प्यार कर रहे हैं, ये तो साले कह रहे आ जा, लेकिन मैं उस तरफ गया नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर एक बिलीव, भगवान ने जो जोत जगाई थी मेरे अंदर भक्ति की परमेश्वर के लिए, वो थी। बीच में गुरु नानक जी खड़े हो गए, गुरु नानक देव जी ने तो बचा लिया मेरे को, मैं तो मरने वाला था, मौत आई थी मेरे घर पर, मेरी माँ ऐसा होने से पहले यार हम निकल लें भैया, यही बोल सकता हूँ
क्योंकि ये बंदा जिस लेवल पे है ना, ही हैज़ इंस्पायर्ड सो मैनी दैट इंडिया के कितने रैपर्स आज की डेट में इस बंदे का दिया खा रहे हैं, मेरे ये बात सोच के भी डर लगता है। ये बंदे को कुछ नहीं होना चाहिए, बस यही बोलूँगा। खड़ी हो गई थी आगे, बहुत रहा वो फेज। मेरी डॉक्यूमेंट्री आ रही है नेटफ्लिक्स पे इस साल, उसमें मैंने अपनी बीमारी में और मेरे करियर में, क्योंकि मेरे खिलाफ बहुत कुछ हुआ, बहुत स्टेटमेंट्स, बहुत प्रोटेस्ट, बहुत कोर्ट केसेस। जब मैं आया पंजाब की एक इंडस्ट्री से निकल के, आई वॉज अ म्यूजिक डायरेक्टर विद देयर सिंस 2007-5 इनफैक्ट। ओ यार उस टाइम बहुत कहानियाँ बनी हैं यार, जब बंदा डाउन पे जाता है ना थोड़ा सा, या ज़्यादा हाई पे जाए तो भी कहानियाँ बनती हैं, या डाउन पे जाए तो भी कहानियाँ बनती हैं। सो सिंगर्स मुझे पैसा देते थे, मैं उनके लिए म्यूज़िक बनाता था और गाने लिखता था। जब मैंने खुद गाना शुरू किया तो एक इंडस्ट्री जहाँ से मैं आ रहा हूँ, मेरे साला ये तो हमारा म्यूज़िक डायरेक्टर था, ये खुद गाएगा। और जो कि इंडस्ट्री जहाँ मैं जा रहा था, जहाँ मुझे बुलाया जा रहा था बॉलीवुड, अगर हम 30 साल से हैं यहाँ पे प्लेबैक कर रहे हैं, हमें शाहरुख खान ने कभी साथ नहीं खड़ा किया, इसको का हाथ में खड़ा कर रहा हूँ बाहर वाला आ गया, वही बात। तो वो जो पैसेज था, और यहाँ पे मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बताता हूँ। जब मैं मुंबई था, आई वॉज़ वर्किंग इन टीवी सीरियल्स, मैंने टीवी सीरियल्स करे हैं एज एन एक्टर, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है। तो जब मैं वो कर रहा था उस टाइम पे ना ऑडिशंस होते थे, चलो वो चीज़ें तो मैं नहीं बताऊँगा, नाम लेने को मैं ले भी दूँ उनका कोई दिक्कत नहीं है, बट वो एवं फालतू की कॉन्ट्रोवर्सी हो जाएगी, इसमें आर्टिस्ट की कोई गलती भी नहीं है। मैं ऑनेस्टली तुम्हें बताऊँ, आई गॉट अ करेक्टर ऑन एक एंड टीवी करके था चैनल, उसके ऊपर एक करण कुंद्रा का शो चल रहा था। करण कुंद्रा के शो के अंदर वैम्पायर वाला शो था, उसके अंदर मुझे कास्ट किया जाता है एक पर्टिकुलर रोल के लिए। तो वहाँ पे क्या होता है कि मेरे को साइन किया गया दो दिन पहले, दे हैव कॉल्ड मी, कोऑर्डिनेटर फाइंड्स इट आउट कि हाँ इसको ये करेक्टर करना है। तो उन्होंने मेरे को बोला, मैंने उनको बोला कितनी देर का ट्रैक है, उन्होंने मेरे को बोला 2-2.5 महीने 3 महीने तो चलेगा, तो ये कोई नेगेटिव करेक्टर ही था, तो वो करो आप जाके। तो मैं चुपचाप चला गया, ठीक है। मैं जब सेट पर पहुँचा हूँ, वहाँ पर आके मुझे वो कपड़े दे देते हैं, और मैं तुम्हें बताता हूँ चांदीवली स्टूडियोज़ में उस टाइम पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी साथ वाले सेट पे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सोहेल खान, ये सब शूट कर रहे थे। जहाँ पे हमारा वाला सेट लगा था उसी जगह पे सामने वहाँ पे पुलिस स्टेशन का सेट लगा हुआ था। तो मैं जब वहाँ पे था तो मैं ग्रीन रूम में था, चेंज कर रहा था, मेरा मेकअप हो जाता है, मैंने ये फ़ोटोज़ भी डाली हैं, अगर आप लोग देखोगे जाके मेरा फेसबुक देखोगे, आज भी शायद फ़ोटोज़ पड़ी हैं सेट की। मैं जाता हूँ, मैं बड़े वहाँ पे प्रिपेयर करता हूँ, एंड फिर पता चलता है कि किसी प्रोड्यूसर के दोस्त, जो एक्टर्स अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं वो फिर बाद में प्रोड्यूसर के दोस्त बन जाते हैं ना, तो उनको मेरे वाला करेक्टर दे दिया गया रात ही रात में, क्योंकि उनके पास उस टाइम पे काम नहीं था एक्टर के पास। तो एक्टर ने मेरे बजट में हाँ कर दी। अब वो फेमस भी है थोड़ा मुझसे ज़्यादा, तो ऑब्वियसली उसको मना नहीं करेंगे, तो उसको ले लिया, उस टाइम में फिट था काफ़ी, तो उनको हाँ कर दी। एंड मैं ऑन सेट, मेरे को बताया जाता है कि आप छोटा वाला रोल ले लो जिसका कंटिन्यूटी 1-2 दिन का ही है, आज आपको मार देंगे, 2-3 दिन में फिर आप वापस आ जाना। एंड मैं लिटरली सेट से चलते शूट से वापस आ गया था वो चीज़ देख के, मतलब मेरे को इतना बुरा लगा। अरे ये होती है यार चीज़ें, और ये होती हैं, आउटसाइडर आएगा तो उनको दिक्कत होगी ही होगी। आई फेल्ट लाइक एन आउटसाइडर एट दैट टाइम कि हाँ मेरा कोई गॉडफादर नहीं है तो मेरे साथ ये धक्का हो रहा है, यही साला सलमान खान का फ़ोन करवा के आया होता बहन, करण कुंद्रा भी साइड पे करके लीड बन जाते, तो वही बात है ना। पर इसमें ना तो करण कुंद्रा की कोई गलती, ना उस आर्टिस्ट की कोई गलती जिसको उन्होंने कास्ट करा, क्योंकि शायद उनको ये पता भी नहीं होगा कि उनकी जगह पर ऑलरेडी किसी को कास्ट कर लिया गया है। अगर कर लिया पता था तो फिर पता नहीं यार, तो अभी क्या बोल देंगे इसके बारे में, छोड़ो यार। उसका जो आउटबर्स्ट हुआ
मीडिया की तरफ से, लोगों की तरफ से नहीं, लोगों ने कभी कुछ नहीं मेरे खिलाफ। थोड़ा पीछे चलते हैं, यहाँ से देख, नहीं खड़ा किया इसको, का हाथ में खड़ा कर रहा हूँ। तो शाहरुख खान वो जो पैसेज था और उसका जो आउटबर्स्ट हुआ मीडिया की तरफ से, लोगों की तरफ से नहीं, लोगों ने कभी कुछ नहीं मेरे खिलाफ बोला, लोग बोलते तो मैं हिट ना हुआ था। कुछ कॉन्स्पिरेसी करने वाले लोग ने मेरे खिलाफ एक ऐसी इमेज डेवलप करी, एक ऐसा मीडिया में प्लान डेवलप किया कि इसको ये बोलो। मैंने कभी क्लैरिफिकेशन नहीं दी, मैंने आज तक कोई इंटरव्यूज नहीं दिए, क्योंकि मुझे 5 स्लाइड में टेलीविजन पे बैठ के ये नहीं कहना था, नहीं ये मैंने नहीं किया, वो मैंने नहीं किया, ये मैंने नहीं किया। और तब पॉडकास्ट एग्जिस्ट नहीं करते थे। और मैंने कहा एक वक्त आएगा एक कैमरे पे बैठ के, एक माइक पे बैठ के एक बारी बात करेंगे। तो फिर नेटफ्लिक्स मेरे पास आया कि हम आपके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं, आप बताइए इंग्लिश। भैया नेटफ्लिक्स पे आई डॉक्यूमेंट्री गांड फाड़ देगी अच्छे अच्छों की। बनाया हिंदी में, मैंने कहा हिंदी में बनाइए। मैंने कहा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, हम इस पर डॉक्यूमेंट्री क्यों बनाना चाहते हैं? कहते इतना कुछ हुआ तुम्हारे खिलाफ लेकिन तुम कभी बोले नहीं। कहते क्यों नहीं बोले? मैं कहा मैं इसी मौके का इंतजार कर रहा, मैं आप बोलूँगा। तो उसमें मैं बहुत कुछ बोला हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग। भाई मैं वही डर रहा था कि डॉक्यूमेंट्री में होगा क्या, डॉक्यूमेंट्री में कलेश होगा भाई, डॉक्यूमेंट्री में कलेश होगा। डॉक्यूमेंट्री है, लोग एक्चुअली में जानेंगे मुझे, मैं हूँ कौन, मैं वो नहीं हूँ क्या जो लोगों ने देखा सुना। ऊपर वाले ने आपकी सोल को इतनी अजीब जर्नी क्यों दी है, इतना ज्यादा सक्सेस हर एक के साथ हुआ है? नहीं पर आपके साथ थोड़े एक्सट्रीम लेवल पर हुआ है। हर एक के साथ एक्सट्रीम के साथ हुआ है, हर एक के साथ। मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं तो यार हर बंदा ये नहीं, अब आप ये नहीं बोल सकते कि मेरी प्रॉब्लम ही सबसे बड़ी है, वही बात है, हर एक के साथ होता है वो। नाखून बराबर नहीं हूँ, श्री राम को वनवास जाना पड़ा था, वनवास में जाके भी सीता माँ के साथ थे और रावण ने आके जो किया वो अलग युद्ध छेड़ना पड़ा। तो मैं अपने आप को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ महापुरुषों के साथ, लेकिन अगर आप हिस्ट्री देखें वर्ल्ड की और जिन्होंने कुछ, जो कुछ अलग से लोग होते हैं शायद, और जिनको कुछ ब्लेसिंग्स होती हैं, तो उनके लिए रस्ते में जो लंबा चल सकते हैं उनके रस्ते में समुंदर भी आता है, पहाड़ भी आता है, स्मूथ रोड भी आती है, खेत खलिहान सब आते हैं। जब आप वीड करते थे, डिड यू एवर गेट हाई? नहीं, मुझे नींद आ जाती थी बस, ये है। मैं शराब ही इसलिए पीता रहा भाई कि मेरा दिमाग थोड़ा स्लो चले, मेरी नस है ये पटपट पटपट करती थी, क्योंकि मेरे को इतना कुछ कर रहा था, इतना कुछ हो रहा था जी। मैं सोता, हाउ रिलेटेबल इट इज यार, हाउ रिलेटेबल इट इज। मन कर रहा सारा देख लूँ बट मेरा सिस्टम मुझे अलाउ नहीं करता इतना सारा, तो मैं शूट तो कर लूँगा साथ में, ठीक है? तो आप लोग भी इतना लंबा खिंचा हुआ वीडियो कहाँ देखोगे मेरा। तो मैं काम करता हूँ, इसका ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जो जाके देखना चाहें देख लेना। मेरा रिएक्शन देखना है तो इसका पार्ट टू कल आ जाएगा, वो देखेंगे साथ में, ठीक है? लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा दो। थोड़ा इमोशनल भी हूँ कि कुछ बातें मेरी भी पास की छिड़ी एंड यहाँ पे रिलेटेबल थी वो, एंड कुछ चीज़ें और आगे सुनने को मिलेंगी। तो 16 मिनट 4 सेकंड से कल शुरू करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए माफ़ी चाहूँगा कि पूरा का पूरा आपको नहीं दिखा पा रहा, तो लेट्स सी क्या होता है। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, फिर इसको ऑल आइकन पे प्रेस कर दो।